ईयर 2007 एक ऐसा साल था जिसमें दो सिक्के जारी किए गए थे। एक सिक्का जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक मिल सकते हैं, और दूसरा एक ऐसा सिक्का जिसके बदले में आपको 5 रुपए भी मिल सकता है और 10,000 भी मिल सकते हैं। दो ऐसे सिक्के बताने वाला हूं जिसको ध्यान से समझना होगा। अगर आपने नहीं समझा वीडियो को तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा जो आपने पहले कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा और उसके बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं, आपके पास पुराने सिक्के पड़े हुए, तो उसका भी सजेशन बताऊंगा कि उसको कैसे सेल किया जा सकता है और सेल करने का सही प्रोसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी फोटो सेंड करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, और फायदा नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप या तो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं या फिर वो चीज समझते नहीं है जो वीडियो में बताया जाता है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि रेयर क्या है और कॉमन क्या है। कॉमन कभी भी सेल नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सेल नहीं होती जो आप वीडियो में बताते हैं, लेकिन वीडियो में बताया क्या जाता है उसको आप लोग पहले सही से समझते ही नहीं है, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो चीज सेल नहीं होगी। तो चलो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझते हैं, और वो क्या कौन सा सिक्का है और क्या वैल्यू रखता है सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो गाइज वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। गाइज कुछ लोग मेरे नाम से फ्रॉड भी करते हैं तो उन लोगों से सावधान भी रहने की जरूरत है आपको। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहला हमारे पास में जो सिक्का है वो है क्रॉस वाला 2007 का, ये वाला सिक्का जो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे पड़ा हुआ क्रॉस वाला 5 रुपए का ये सिक्का आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। इस एक सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक। सिक्के को ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में बनाया गया था 2007 में। 23 mm की साइज का होता है, 6 ग्राम वजन होता है, और ये सिक्का मात्र आपको कोलकाता की मिंट से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो सकता है, वो ये कि अगर आप इस सिक्के को बाय करते हैं किसी से तो आपको एक डुप्लीकेट सिक्का भी पकड़ाया जा सकता है। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। कोलकाता की मिंट से ओनली ये सिक्का देखने को मिलता है। तो ये सिक्का आपको 5,000 से 7,000 की वैल्यू दे सकता है, और इस सिक्के का आप कलेक्शन कर सकते हैं। और ऐसा सिक्का अगर आपके पास में होता है तो आप इंस्टाग्राम nandujat_rj23 पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे इस सिक्के की दोनों साइड से फोटो सेंड करनी है, और उसके बाद में उसकी कीमत के बारे में बात करनी है। आप बहुत सारे सिक्कों की एक साथ फोटो सेंड ना करें क्योंकि उन सिक्कों को चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ना तो मुझे कुछ फायदा होता है, ना ही आपको कोई फायदा होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट सिक्के के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारे पास में सिक्का है वो है शहीद भगत सिंह का 5 रुपए का सिक्का। ये भी 2007 में ही जारी किया जाता है। एक बार ध्यान से देख सकते हैं इस सिक्के को, शहीद भगत सिंह का पोर्ट्रेट बना हुआ है इस सिक्के में। अब ये सिक्का बहुत सारे लोग मुझे सेंड करते हैं और इसको सेल करने के बारे में दावा करते हैं, लेकिन ये नहीं, किसी ने नहीं देखा कि ये सिक्का रेयर क्यों हुआ है, रेयर होने की वजह क्या है। अगर जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है कि सिक्का रेयर क्यों है, कॉमन कौन सा है और रेयर कौन सा है, तब तक उसको सेल करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वो सेल होगा ही नहीं जब तक वो रेयर सिक्का नहीं होगा। तो इसमें जो रेयर सिक्का है उसकी क्या पहचान है, उसके लिए आपको मेरा एक पीछे वीडियो रखा हुआ है उसको भी देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉमन सिक्के की जानकारी दे देता हूँ। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल से बनाया गया था 2007 में। 6 ग्राम वजन होता है, 23 mm की साइज होती है, और ये सिक्का आपको 2 मिनटों में देखने को मिल सकता है कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। कोलकाता मिंट के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और हैदराबाद मिंट के सिक्के में आपको एक स्टार का मिंट मार्क देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप एक कॉमन सिक्के की पहचान कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सिक्के की वैल्यू 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक हो सकती है। तो आपको कौन सा सिक्का देखना है इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दिया तो शायद आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि रेयर सिक्का कौन सा था। इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। आप भले एक वीडियो देखें उसको समझे अच्छे से, तभी आपको कोई फायदा होने वाला है। नुमाइश मेडिक सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पे जितना नॉलेज होगा उतना ही फायदा होगा। तो ये जो शहीद भगत सिंह का 5 रुपए का सिक्का है, ये एक OMS वैरायटी का सिक्का है। अब OMS वैरायटी के नाम से आपको शायद कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको जो OMS वैरायटी का सिक्का बता रहा हूँ उसका मतलब है जिस सिक्के को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में बनाना था उस सिक्के को बना दिया है निकिल ब्रास धातु से। मतलब वो सिक्का आपको निकिल ब्रास में देखने को मिलेगा। तो ऐसा सिक्का अगर आपको मिलता है निकिल ब्रास का,
तो वो सिक्का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं सिक्के को, निकिल ब्रास का सिक्का है, तो वो सिक्का रेयर है और उस सिक्के के बदले में आपको 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। वो सिक्का आपकी सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, किस कंडीशन का होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। अब जैसे मैंने आपको 10,000 बताया, तो 10,000 जरूरी नहीं फिक्स मिलेंगे इसके, लेकिन अगर आपके पास में OMS वैरायटी का ऐसा शहीद भगत सिंह का ही 5 रुपए का सिक्का होता है निकिल ब्रास में, तो ये एक रेयर सिक्का है और इसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, और अभी भी आप इसको सेल करेंगे तो उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये जो दो सिक्के मैंने आपको बताए, दोनों के दोनों सिक्के रेयर हैं, लेकिन समझने की जरूरत थी। अगर कॉमन सिक्का ले जाके सेल करने के बारे में सोचेंगे तो ये सिक्का सेल नहीं होगा, लेकिन 2007 का क्रॉस वाला सिक्का है वो रेयर है, और उसको आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, फ्यूचर में उसकी और भी कीमत बढ़ने वाली है। जो लोग बेचने के बारे में सोच रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया तो फिर एक पीछे मेरा वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने OMS वैरायटी के सिक्कों के बारे में डिटेल से जानकारी डिस्कस की है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।